ब्रॉक लेसनर आज के टाइम पे WWE कंपनी के अंदर फेल हो चुके हैं, जबकि अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी फेल नहीं हुए। चाहे हम लोग उनका NFL करियर का बात करें, या फिर जापान रेसलिंग का बात करें, या फिर UFC का बात करें, या फिर WWE कंपनी का बात करें, ये कहीं नहीं फेल हुए थे। पर आज के टाइम पे WWE कंपनी के अंदर ये क्यों फेल हो गए, इसके पीछे सिर्फ दो कारण है। सबसे पहला कारण हमारे द गेम Triple H। Triple H एक मनी माइंडेड बंदा, उनको सिर्फ पैसे से मतलब, इसलिए करंट टाइम में सिर्फ रोमन रेंज के स्टोरी लाइन के ऊपर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। ब्रॉक लेसनर वो रेसलर था जो कि पूरे साल में एक या दो मैच रेसल करने आता था, पर करंट टाइम में ब्रॉक लेसनर को फुल टाइमर उन्होंने बना दिया, जिससे ब्रॉक लेसनर का वैल्यू पूरी तरीके से WWE कंपनी के अंदर गिर चुका है। ब्रॉक लेसनर जो रेसलमेनिया के अंदर अंडरटेकर और जॉन सिना जैसे रेसलर को फेस करते थे, आज के टाइम पर रेसलमेनिया के अंदर उनको अपोनेंट ओमोस जैसे रेसलर को दिया जा रहा है। ब्रॉक लेसनर जिसको बीस्ट कहा जाता था, आज के टाइम पर उनको इतना कमजोर दिखाया जा रहा है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। ट्रिपल एच को सिर्फ पैसे से मतलब है, जो कि करंट टाइम में रोमर उनको भर भर के दिला रहे हैं, इसलिए उनको ब्रॉक लेसनर से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको पता है अच्छे से कि द बीस्ट वाला ब्रॉक लेसनर को आज पूरी दुनिया देखना चाहते, उसके बावजूद भी ट्रिपल एच कुछ नहीं कर रहा। और हां, सेकंड रीजन मैं आपको कल बताऊंगा, तो सारे लोग चैनल